ओवैसी जी हैं, कोई ऐसी प्रमाणिक बात तथ्य लेकर इतिहास से नहीं कह रहे, वो अपने राजनीतिक स्टैंड के लिए कह रहे कि ये मुस्लिम का रहनुमाई बन जाए और हमारा अवसर है कि अब दोबारा मस्जिद नहीं तो उठाई जाएगी। वो कोई संविधान नहीं है, वो कोई न्यायालय नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालत का जो कोई जज है फैसला देंगे तो मान्य हो जाएगा। हम सभी लोग कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे, हमारा अधिकार है कि जाकर हम अपने न्याय के लिए गुहार करें। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? अभी जैसे मांग उठ रही है, सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद अगर मिल जाती है जानकारी कि मंदिर ही था तो लगता है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनेगी? मस्जिद तोड़कर बनाना क्या है, उसमें तो बाबा विश्वनाथ विराजमान है। तो जब हमारे बाबा विश्वनाथ विराजमान है, उसमें 100 फीट का नीचे लिंग है, नंदी है, उसका जो है सब कुछ है, तो फिर उसमें तोड़ने की बात क्या है? हम उसी में पूजा करेंगे, उसी में ही पूजा। हाँ, हमारे स्वरूप ऊपर का स्वरूप ढांचा से मतलब नहीं होता है। एक बार जहाँ प्राण प्रतिष्ठा देवों की हो जाती है वहीं भी विद्यमान रहते हैं, ठीक है। उसके निचले हो सकता है खंडित मूर्ति मिले तो उसको अच्छी मूर्ति स्थापित कर देंगे, ठीक है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो चुका है, बाबा विराजमान है, आदि विश्वेश्वर विराजमान है उसी भूमि में 9130 में, तो 9130 जो ज्ञानवापी परिसर है उसी में हम बाबा का पूजा करेंगे। बात तो वही, हम तोड़ेंगे नहीं, हम ढांचा वही रखेंगे, उसी में पूजा करेंगे। ढांचा यही रखेंगे, पूजा इसी में, ढांचा वही रहेगा, ढांचा से हमें कोई छुआछूत नहीं है, बाबा उसमें है। क्या करेंगे आप ही बताइए ना, कि चोर साल भर से कब्जा करके रह रहा, मान रहे हैं कि चोरी किया गया है आपका। अरे हमारे ये तो 1667 का फरमान है, जयपुर लाइब्रेरी में विद्यमान है, और ये जयपुर लाइब्रेरी में जब विद्यमान है फरमान है कि काशी मथुरा और जो है बल्लभी, ये सारे जो है जहाँ हिंदू संस्कृति का केंद्र है, जहाँ जो है विद्यालय है, जहाँ जो है गुरुकुल है, उसको तोड़ा जाए, हिंदू संस्कृति को पढ़ाया नहीं जाए। यहाँ क्या था कि इनके भाई औरंगजेब का भाई आलमगीर खुद काशी में आया था, यहाँ जो है वेद और वेदांत पढ़ा था। तो ये सबसे बड़ी समस्या हुआ कि एक बुद्ध प्रस्त, एक बुद्ध के मतलब बुद्ध को जो है न मानने वाला, वो बुद्ध को मान रहा है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में औरंगजेब को लगा कि हमारे घर में जो है ये व्यक्ति जो है दारासी को, जिसके नाम पर आज दारागंज यहाँ का मोहल्ला है, समझ रही मैडम, यहाँ से आप जाएंगी तो दारागंज यहाँ के 3 किलोमीटर के बाद दारागंज मोहल्ला है, तो दारागंज मोहल्ला में उसके नाम पर, दारा सिको के नाम पे जो है, जिसको कहा जाता है केशव जी के मंदिर में एक जो है दरवाजा जो है उसने दान किया था, तो वो उसके जब उसके परिवार के व्यक्ति जब यहाँ शिक्षा ग्रहण करने लगा तो औरंगजेब को लगा कि ये बहुत बड़ा, ये तो जो कुफर के प्रति जो है झुकाव है, हम तो हमारा परिवार भी कुफर के तरफ जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि ऐसा है कि जिस तरह से गुरु अर्जुन देव इनका जो है गर्दन काटा गया, उसी तरह से यहाँ हुआ कि चलो यहाँ जो है ये इस मंदिर को ध्वस्त कर दें। ये कहीं मंदिर नहीं ध्वस्त हुआ, आप यहाँ खड़ी हैं, ये बाएं साइड जो है इस बिल्डिंग का जो सत्यनारायण मंदिर के बगल में देख रही हैं वो रजिया मस्जिद है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 96 में तोड़वाया था, इसका मोहम्मद गोरी के सेनापति था, ठीक है। वो जो है हमने छोड़ दिया रजिया मस्जिद, इसके बाद आपने क्या किया, उसी समय विश्वनाथ को भी तोड़ा, विश्वनाथ को बाद में गहरवार वंश, और इसके बाद जो है फिर जो है सिकंदर लोदी तोड़ा, तो फिर जो है टोडरमल और सवाई जय सिंह का परिवार ने बना दिया अकबर के समय, फिर आपने तोड़ा, अब उसको भी हम छोड़ दें। उस 1669 में एक ही मंदिर नहीं तोड़ा, 3 मंदिर तोड़ा, पहला जो है काशी विश्वनाथ, दूसरा जो है बिंदु माधव, तीसरा जो है कीर्ति विश्वेश्वर। आज भी आपको कीर्ति विश्वेश्वर चल के दिखा देंगे कि वह मंदिर कैसा है, और उसके चारों ओर उसको बोलते हैं आलमगिरी मस्जिद। तो आप ये बताइए कि मेरे जो यहाँ जो है सभ्यता का केंद्र था, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, उसी को आप विनाश कर देंगे? लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है लगातार एक ही समुदाय को टारगेट कर रही है बार बार? इसमें बीजेपी कहाँ है भैया, बीजेपी न तो उस पक्ष में है न विपक्ष में है। जो मुकदमा किया है विश्व वैदिक महासंघ ने किया है, ठीक है, आरोप बीजेपी पर क्यों? आरोप बीजेपी पर लग रहा है, मतलब दुल्हा ये है बरातियों को जो है दोष दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब हो सकता है बीजेपी को इसमें मंडने का क्या? बीजेपी अभी जो है उसमें आई नहीं है, विश्व हिंदू परिषद आया नहीं, आरएसएस उसमें आया नहीं है, यहाँ की 5 महिलाएं अब विश्व वैदिक महासंघ का जो जितेंद्र सिंह है उनके माध्यम से मुकदमा दायर हुआ 22 अगस्त 2021 को, और उसके बाद हम कह दिए कि बीजेपी आ गया, बीजेपी आ गया, बीजेपी आ गया, आखिर हम
जो दुल्हा है उसका हम नाम लेना कि जो दुल्हा जो जिसने जो है मुकदमा वहाँ डाला, जिसने मुकदमा लड़ा और मुकदमा को प्रस्तुत किया, उसमें अभी बीजेपी नहीं है, उसमें झूठे जो है ओबैसी जो है बीजेपी बीजेपी कहके उनको भी कूदाना चाहते हैं क्या जा, ठीक है ठीक है, मतलब राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, राजनीतिक ओबैसी राजनीतिक, क्योंकि ये तो यहाँ के हिंदुओं की मांग है, हमारे जैसे हिंदुओं की, कि जो बाबा के जो नंदी को रोते हुए देखकर जो है उसके अंदर करुणा होती है, दया होती है और अपने ऊपर जो है गुस्सा भी होती है, उसके कारण जो है आज आज वो जो है कह रहे हैं कि वो जो है भाजपा वाले कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, तो मोदी कर रहे हैं, इसमें अभी योगी और मोदी का प्रवेश नहीं है अभी, ठीक है। देखिए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, तमाम लोग जो है खुश हैं काफ़ी सर्वे से और इनकी मांग है कि सर्वे होना चाहिए जिससे कि असलियत जो है सबके सामने आए, क्योंकि बाबर औरंगजेब जब देश में आए थे तो एक मंदिर नहीं, ऐसे तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था और आज जो सर्वे हो रहा है उसमें ये पुख्ता सबूत भी मिल रहे हैं, मूर्तियाँ मिल रही है, ऐसे चिन्ह मिल रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है, मंदिर भी है और यहाँ मूर्तियाँ भी है काफ़ी सारे भगवानों की, और एक सबूत ये भी है कि जो नंदी का मुख है वो भी मस्जिद की तरफ ही है, तो ये भी अपने में ही एक प्रमाण है जो कि बताता है कि हाँ सालों पहले, हजारों सालों पहले जो है यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? ही रहते हैं आप? जी जी जी। क्या नाम है? शिवम तिवारी नाम है मेरा। अच्छा शिवम तिवारी, क्या कहेंगे ये पूरे मामले पर? ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है, मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी अच्छा हो रहा है, मतलब वो तो प्रत्यक्षम की प्रमाणम की बात हो गई, जो आप सीधे देख सकते हैं मंदिर का जो मस्जिद का जो दीवार है प्रमाण ही है कि हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, उस पर जो उनका एक आइडियोलॉजी जो गुंबद होता है उसको एक ढांचा को वही रखा गया है, बस उसको उस पर बिठा दिया गया, ढांचा वो मंदिर के जैसा है बस उसको गुंबद बना दिया गया उस पर। खुश हैं आप इस सर्वे से? जी खुश हैं, खुश हैं जी, होना चाहिए। अगर मंदिर के पूरे प्रमाण मिल जाते हैं, पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, चाहते हैं कि मंदिर बन जाए, क्यों नहीं, बहुत से बनना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए इतिहास है, इतिहास को लाखों लोग जानते हैं और इस देश में कानून व्यवस्था है और कानून जो डिसीजन लेता है ना वो सर्वोपरि होता है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो, और कोई भी विवादित मैटर अगर कानून के तरीके से कानूनी तरीके से सॉल्व किया जाता है तो वो सबको मान्य होता है, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो। आपको लगता है कि ये सर्वे के बाद अगर पुख्ता सबूत मंदिर के मिल जाता है तो संभावना है? नहीं देखिए, आज की डेट में दोनों समुदायों में ऐसे लोग नहीं हैं, सब एजुकेशनल हैं, सबको शांति प्रिय है, विकास हर आदमी करना चाहता है, दंगा नहीं करना चाहता इस देश में। आपको मैंने पहले भी कहा कि पहले दिन जाने क्यों नहीं दिया टीम को अंदर, फिर क्यों वकीलों को रोका गया, क्यों अंदर? देखिए ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलते हैं, पर हम फिर भी कहेंगे दोनों समुदायों से, हम भी एक आम सिविलियन है, सिविलियन के नाते एक प्रार्थना है कि जो भी कोर्ट का डिसीजन है वो हर आदमी को मान्य हो, वो उसको स्वीकार करे। हम कहते हैं कि आज हम हिंदू होने के नाते ये कहते हैं कि मंदिर है, अगर कानून कहता है कि मस्जिद है तो बिल्कुल हमें भी मान्य होगा, पर जो कानूनी डिसीजन होगा वो दोनों समाजों को स्वीकार करना चाहिए, ये एक वो होना चाहिए आम नागरिक। और दोनों समुदायों में बड़े कुशल लोग और बड़े विद्वान लोग हैं, अयोध्या का निर्णय है, दोनों समुदायों ने उसको एक्सेप्ट किया, तो वैसे ही ये होगा, तो हम दोनों समुदायों को ये एक्सेप्ट है और शांतिप्रिय तरीके से जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो पूरे दुनिया को मान्य होगा। धन्यवाद। इस वक्त मैं बनारस में हूँ, बनारस के देखिए ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो सर्वे चल रहा है उसी के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा दूँ, देखिए इस तरफ है ज्ञानव्यापी मस्जिद जहाँ पर सर्वे चल रहा है, सामने आप देख पा रहे होंगे पुलिस फोर्स जो है तैनात है, आगे की तरफ बैरिकेडिंग किया हुआ है पूरा एरिया, यहाँ पर मीडिया को भी उस तरफ जाने की जो है इजाज़त नहीं है, इसलिए सभी मीडिया जो है बैरिकेडिंग के इस तरफ से ही जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं पूरे मामले के बारे में। और साथ ही आपको बता दूं कि आज दूसरा दिन है सर्वे का, तो दूसरा दिन है सर्वे का, इस दौरान जो है आज मस्जिद का जो गुंबद है यानी कि मस्जिद का ऊपरी हिस्सा उसका सर्वे हो रहा है, उसकी जाँच पड़ताल चल रही है। सुबह आठ बजे से दोपहर के 12 बजे तक जो है ये सर्वे चालू रहेगा। अभी जब सर्वे टीम बाहर निकलेगी तो उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको बता दूँ पहले दिन जो है जब सर्वे किया था सर्वे टीम ने तो चार कमरों का दरवाज़ा खोला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि कमरों का चाहे ताला ही क्यों ना तोड़ना पड़े लेकिन सर्वे ज़रूर होगा, लेकिन ताला तोड़ने की नौबत नहीं आई है, चाबी मिल गई थी चारों कमरों की, तो इसलिए चारों कमरों को खोल कर जो है उसमें सर्वे किया गया है। हिंदू पक्ष के जो वकील थे उन्होंने बताया है कि जब कमरों का सर्वे हुआ तो वहाँ से कई सारी मूर्तियाँ जो है बरामद की गई है, ऐसे चिन्ह मिले हैं जिससे ये
ये साबित होता है कि यहाँ पर जो है हिंदू मंदिर हुआ करता था। आपको मैं बता दूँ, ये पूरा विवाद जो है शुरू हुआ था श्रृंगार गौरी मंदिर से, श्रृंगार गौरी मंदिर की पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता था कि साल में एक या दो बार पूजा की जाती थी श्रृंगार गौरी मंदिर की। लेकिन जो यहाँ पर महिलाएं थी काफ़ी, उनकी जो मांग थी, उनकी मांग थी कि हमें रोज़ पूजा करने दी जाए, क्योंकि अंदर जो नंदी का मुंह है वो मस्जिद की तरफ है, तो ये साबित करता है कि जो ज्योतिर्लिंग है वो मस्जिद के अंदर ही है। तो इसलिए ये पूरा विवाद जो है शुरू हुआ। और साथ ही आपको बता दूं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आ रही है। कोर्ट के निर्देश पर कमीशन की जो कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से है चल रही है। आज तक आपको मैं बता दूँ, जो पूरी आज तक जो कार्रवाई चल रही थी वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, कोई बाधा नहीं है अभी तक। इससे पहले जो है जो एक समुदाय के लोग थे, एक पक्ष के लोग अपना पक्ष रख थे और बोल रहे थे कि श्रृंगार गौरी की जो मूर्ति है वो मंदिर के अंदर नहीं, वो पश्चिमी स्तर पर है, यानी कि बाहरी दीवार पर है, तो वहाँ जाकर आप सर्वे कीजिए, ना कि मस्जिद के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा बवाल इस पर मचा था, मना किया गया था मस्जिद के अंदर घुसने से सर्वे टीम को। इसीलिए देखिए, कोर्ट ने जो है निर्देश जारी किए थे कि जो सर्वे है वो पूरी तरीके से होगा और किसी भी तरीके की जो टालम टूल है वो नहीं हो सकता है सर्वे के लिए, चाहे इन्हें कमरों का ताला ही क्यों ना तोड़ना पड़े, तो वो भी होगा। और साथ ही आपको बता दूँ कि इसी के साथ जो है आज जो एडवोकेट कमिश्नर हैं विशाल सिंह, उन्होंने दावा किया है कि रिपोर्ट जो है गोपनीय है। और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वकील ने कहा है, मुस्लिम पक्ष के वकील ने, कि प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है, हर कोई सर्वे में सहयोग कर रहा है। तो मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है, हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से भी बयान आया है। हिंदू पक्ष के वकील जो है लगातार बता रहे हैं कि मूर्तियाँ मिल रही हैं, यहाँ पर सर्वे के दौरान जो है मूर्तियाँ मिल रही हैं। तो हो सकता है कि अब आज जो है, आज ये आखिरी समय बताया जा रहा था सर्वे का, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं, जो कोर्ट में इन्हें सर्वे की रिपोर्ट दायर करनी है, जो देनी है इस कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के चलते ही कल बताया जा रहा था 17 मई को जो है रिपोर्ट देनी है, लेकिन हो सकता है कि आज के बाद कल भी जो है सर्वे जारी रहे, ऐसी जो है खबरें आ रही हैं। लेकिन अगर आज सर्वे पूरा हो जाता है, तो आज ही पता लग जाएगा कि ये जो पूरा विवाद है वो आगे चलेगा या नहीं, यहाँ पर मंदिर था या फिर मस्जिद ही थी। तो गोपनीयता बनी हुई है इस पर, वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आज थोड़ा सा चूक हो जाता है सर्वे में, तो फिर कल का दिन भी जो है कोर्ट की तरफ से सर्वे टीम को मिला हुआ है, कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि सर्वे टीम जो है टाइम ले सकती है, लेकिन छानबीन करे, सर्वे करे, आपको मनाही नहीं है किसी भी चीज़ की। आज जो है ऊपरी तरफ जो है सर्वे हो रहा है, गुंबद का सर्वे होगा, जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। आपको बता दूँ, मुस्लिम पक्ष के लोग जो है उस तरफ जाकर नमाज करते हैं। अब जहाँ पर नमाज की जाती है वहाँ पर आज सर्वे हो रहा है, नीचे की तरफ आज सर्वे हो रहा है, तहखाने का सर्वे किया गया है, वहाँ पर चार दरवाजे मिले, चारों कमरे का जो है सर्वे किया गया। आज एक और कमरा सर्वे टीम को मिला है, जिसके अंदर जो है मलबा मिला है, मलबा, भारी मात्रा में मलबा मिला है। उस मलबे को साफ करने का काम जो चल रहा है अभी, अब उस मलबे के अंदर कुछ ऐसा मिलता है या नहीं वो अभी खबर नहीं है, लेकिन मलबे को साफ करने के बाद भी सर्वे जारी रहेगा उस कमरे का। और ऊपर गुंबद की तरफ जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है, इसलिए जो है अरेंजमेंट किया गया है लोहे की और लकड़ी की सीढ़ियों का, तो जिससे कि सर्वे टीम ऊपर की तरफ जा सके और वहां पर जाकर सर्वे कर सके। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर तमाम लोग जो हैं खड़े हुए हैं, तमाम पक्ष के लोग, दोनों पक्ष के लोग जो हैं खड़े हुए हैं, अपना अपना पक्ष जो है मीडिया के सामने रख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, मीडिया कर्मी भी है, पुलिस कर्मी भी है, तमाम पक्ष के लोग हैं यहाँ पर, बता रहे हैं कि क्या है इसका राज, क्योंकि 1991 से जो इसकी याचिका दायर की गई थी तभी से देखिए ये जो मामला है वो चलता आ रहा है। हिंदू पक्ष अपना पक्ष रख के बोलता है कि यहाँ पर मंदिर था, मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखकर बोल रहा है कि यहाँ पर शुरू से ही मस्जिद हुआ करती थी, मंदिर नहीं था। तो एक बार देखिए जो लोग मेरे सामने अगर खड़े हुए मेरे को दिख रहे हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? करियप्पा कल्लूर। हिंदी? कन्नड़ में। हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं नहीं। इंग्लिश? नहीं, हिंदी। आपका क्या नाम? सिंधी। सिंधी, आप यहीं रहते हैं? सिंधी में कर सकता हूँ बात। हिंदी में कर सकते हैं ना? अच्छा, ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का पूरा मामला है, क्या कहना है आपका? देखिए, हम कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं खुशी है, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, खुशी है कि सर्वे हो रहा है। हो, ठीक है, ठीक है। आप सिंधी बोलिए? सिंधी। आप क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक, यहीं रहते हैं बनारस? हाँ जी। कब से जानते हैं इस मामले के बारे में, ज्ञानव्यापी जो श्रृंगार गौरी का? 15 साल से जानते हैं इधर।
15 साल से यही लोग बचपन में लोग उधर गुजरा हुआ है। अच्छा, ये जो श्रृंगार गौरी का अंदर मंदिर मूर्ति बताई जाती है उसकी पूजा करने जाया करते हैं यहाँ के लोग? नहीं, विश्राम मंदिर तो हम लोग जाया करते थे। हाँ, विश्राम मंदिर तो हम लोग का डेली दर्शन होता रहता है। आपको लगता है कि अंदर मंदिर ही था या फिर मस्जिद? दोनों ही था, सबका अपना अपना तरीका है। वो क्या, मुसलमान लोग अपना अपना करते रहते, मस्जिद में जमा करते थे, हम लोग मंदिर अपना मजा पूजा करते थे, हम लोग अपना भेदभाव कोई यहाँ रहता नहीं। मंदिर अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ? अब जो भी है वहाँ पर हम लोग देखा, हम लोग तो अंदर जाते नहीं थे, मस्जिद हम लोग जाते नहीं थे, वहाँ पर क्या है क्या नहीं है वो कैमरे वाले जो भी है वहाँ उन लोग जानते होंगे ना। फिर हम लोग तो मंदिर दर्शन करने जाते, दर्शन करके आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग दर्शन करके बाहर आ जाते? बस दर्शन करके हम लोग जितना समय मिलता है हम लोग जाते हैं, बता जाते हैं। अच्छा, जो पूरा सर्वे हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है, सही हो रहा है? जो सही होगा वो सही निर्णय आएगा ही, वो बाकी जो जैसा होगा वो खुद ही पता चलेगा आप लोग। निर्णय का इंतजार है? हाँ, बस वही चीज। मेरा नाम करियप्पा कलो, मैं कर्नाटक स्टेट से रायचूर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ये देवस्थान द्वादश लिंग में बहुत फेमस देवस्थान है। हम कर्नाटक से बहुत लोग आते हैं, हर रोज आते हैं। मैं पहले बार विजिट किया हूँ, मुझे बहुत खुशी होगा। सर्वे हो रहा है उससे आपको खुशी? हाँ, सर्वे का खुश है। उत्तर प्रदेश से गवर्नमेंट का अच्छे गवर्नमेंट है, एज गवर्नमेंट रहा ना, वो क्या होने का सत्य होना, सत्य में वह जयते बोलते मैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं यूपी गवर्नमेंट जो है वो सत्य कर रही है और सत्य में जयते? हाँ, सत्य कर रहे हैं। सत्य में वह जयते क्या नाम है, वो सत्य होते वो होना पड़ता। अच्छा, सच को आना पड़ेगा बात। अच्छा, आना पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो मस्जिद का सर्वे हो रहा है इसके अंदर से मूर्तियां भी मिल रही है, तो लगता है कि यहाँ पर मस्जिद जो है कैसे बनाया होगा या फिर क्या आपको क्या लगता है? ये औरंगजेब का पीरियड में हुआ ये नॉट ओनली दिस मस्जिद, सो मेनी मस्जिदेस हिंदू टेम्पल्स डेमोलिश करके मस्जिद बनाया। हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया काफी जगह पर। उनको भी मालूम है किनका किसका किसका लाठी है, उसका भैंस वैसे कर दिए टाइम में, जिसके लाठी उसका भैंस। उसका भैंस। अच्छा, तो मतलब आप खुश हैं इस पूरे सर? बहुत खुश है। बहुत खुश है। आपका क्या नाम है? अवधेश कुमार। मैम, इटावा से यूपी से ही आया हूँ। योगी जी की सरकार में जहाँ जहाँ पे जो मस्जिद बनाई गई है हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दी गई है, कहीं कुछ कर दिया गया है। जो भी सर्वे हो, सर्वे में जो सत्यता निकले उसका साथ दे सरकार, और हमारा भोलेनाथ का जो मंदिर है उसका पूरा विस्तार यहाँ पे हो, जो जितनी हमारी जगह थी उतनी हमें मिलनी चाहिए, जितनी जगह थी उतनी मिलनी चाहिए। ये जो नंदी के मुँह का राज बता रहे हैं कि जो नंदी का मुँह है वो मस्जिद की तरफ है, कब से है वो नंदी की मूर्ति और कब? वो तो पहले से होगी, जब से मंदिर का निर्माण हुआ होगा तब से ही होगी। आप मानते हैं कि अगर नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ, क्योंकि ऐसा सब लोग बोल रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग वही है, मंदिर वही था इसलिए जो नंदी का मुंह है उस तरफ? जी बिल्कुल, जहाँ आप किसी भी मंदिर में देखिए, हमारे जहाँ जो है नंदी का मुंह होगा वो ज्योतिर्लिंग की तरफ ही होगा। तो हम बिल्कुल मान सकते हैं कि जब हमारा नंदी का मुंह उधर है तो हमारा मस्जिद के नीचे ही हमारे भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग होगा, और भी है जो हमारा टेम्पल होगा वो वहीं पे होगा। काफ़ी समय से 1991-92 से बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थी कि श्रृंगार गौरी के मंदिर में डेली जाने की अनुमति होनी चाहिए या फिर यहाँ पर सर्वे होना चाहिए, अभी तक कोई भी याचिकाओं को पास नहीं किया था। अभी योगी गवर्नमेंट ने में ये सर्वे भी चल रहा है, कोर्ट ने आदेश भी दे दिए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि बाबा जी की सरकार में जहाँ भी हुआ, हम अयोध्या को देखते हैं, सपा की सरकार में ऐसे ही पड़ा रहा था पहले, जब से योगी जी की सरकार हुई हमारी मतलब हिंदू पक्ष की बराबर कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके जरिए से यहाँ भी सुनवाई हो रही है और अच्छा काम कर रहे हैं बाबा। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम? मेरा नाम जो है सुरेंद्र कुशवाहा है जी। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले पर, ज्ञानवापी मस्जिद का ये पूरा मामला है, अब आप क्या कहेंगे? मुस्लिम पक्ष तो लगातार ये बोल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ मस्जिद ही था, मंदिर कोई नहीं था, श्रृंगार गौरी का मंदिर है वो भी पश्चिमी दीवार की तरफ है, बाहर की तरफ, क्या कहेंगे? जी मंदिर पर ये तो कबूल कर रहे हैं ना इतना कि पश्चिमी दीवार पर जो है वहाँ आकृतियाँ हैं, वो गौरी का जो है स्थान है तो उस दीवार पर है, उस परिसर में है। आज पूरे जो है हर व्यक्ति जो अभी अभी देखिए आए हैं बाहर से लोग वहाँ दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अभी अभी कहा है कि मतलब कि जो हमारी ज़मीन है, मस्जिद बनाई गई है तोड़कर, औरंगजेब का इतिहास है, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, उस इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने तोड़ा है 1669 ईस्वी में, है ना। तो उसको लेकर जब अब हमारी चेतना जगी है, हमारे संसदीय क्षेत्र के पीएम स्वयं हैं बनारस से, और भारत की संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने कदम उठाया है कि जिसकी संस्कृति नहीं रहती है, जिसका संस्कार नहीं रहता, उसके पास कोई विकास का आधार नहीं है। तो अपनी संस्कृति पर ध्यान हमारे पीएम साहब दिए हैं, और ऐसे ही अभूतपूर्व हमारा योगी जी काम कर रहे हैं कि देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच जो है कल जो है सर्वे का काम 50% हुआ, आज भी सर्वे का काम चला, हम जो आस्थावान जो है यहाँ पर लगे हुए हैं कि योगी जैसे सरकार आई है और हमारी
संस्कृति अब बच जाएगी और उसकी धरोहर हमें सब वापस मिलेगा। और हम न्यायालय में जो गए हैं, हमारा रेखा नाम के 5 स्त्रियां, उनको जो संविधान ने अधिकार दिया कि सबकी सम्मान, सबके विचारों का यहाँ रूपरेखा रखा जाएगा और उसका सम्मान किया जाएगा। हमारे निचली अदालत ये जो बनारस की, उन्होंने उनका 5 औरतों का सम्मान रेखा, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि पंच कन्या स्मरे नित्य महापाप नाशकम, इसी तरह ये 5 कन्याएं जो शायद ये जो है ये विनाश जो है पाप रूपी जो है अंग्रेज औरंगजेब का यहाँ घड़ा भरा हुआ है, वो सच जो पूरी दुनिया के सामने आएगा कि बाबर औरंगजेब ने इस धरती पर आकर क्या किया, धर्म और संस्कृति की लूटा और इस देश को जो है धर्म परिवर्तन किया, इसके अलावा उनके पास नहीं है। उनके जो अनुनाय इस देश में बचे हैं वो जो है उन्हीं का पछले, उनको सच से मतलब नहीं है। पूरी प्रांगण जो है बाबा विश्वनाथ का क्षेत्र है, दुनिया में ऐसा नहीं है, यह विवादित स्वरूप स्वयं लग रहा है, ये न्यायालय में फैसला हो जाएगा। इसी के लिए हम सभी लोग जुटे हैं कि न्याय का सच फैसला है, क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका निष्पक्ष होती है, न्याय के लिए उसको अधिकार दिया गया तो न्याय होकर रहेगा, हम साक्षी के साथ हैं। काफी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट करने के लिए यह सब कराया जा रहा है, जैसा सऊदी ओवैसी भी इस सर्वे को गलत बता रहे थे, क्या कहेंगे? ओवैसी जी हैं, कोई ऐसी प्रमाणिक बात तथ्य लेकर इतिहास से नहीं कर रहे, वो अपने राजनीतिक स्टैंड के लिए कर रहे कि ये मुस्लिम का रहनुमाई बन जाए और हमारा अवसर है कि अब दोबारा मस्जिद नहीं तो उठाई जाएगी। वो कोई संविधान नहीं है, वो कोई न्यायालय नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का, निचली अदालत का जो कोई जज है फैसला देंगे तो मान्य हो जाएगा। हम सभी लोग कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे, हमारा अधिकार है कि जाकर हम अपने न्याय के लिए गुहार करें। आप जो है बनारस की 5 स्त्रियां जो अदालत में दायर किए हैं कि गौरी सिंगार का हम नित्य दिन प्रतिदिन पूजा करेंगे, तो हमारा संविधान अधिकार देता है कि किसी की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। आज से पहले सर्वे की जो मांग उठ रही थी उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आज से पहले कोई भी याचिका को जो है कबूल क्यों नहीं किया गया? जब हमारी जनता जागरूक होती है, आज इस साबित होता है कि देश में जो PM और CM हैं ऐसे अभूतपूर्व जो है आए हुए हैं कि अपनी संस्कृति और सत्ता दोनों के माध्यम से साबित करना चाहते हैं कि भारत की जो आक्रमणकारी विदेशी से आए यहाँ सब कुछ तहस नहस किए, उनके लिए वो कांटा और संकट का घड़ी बना हुआ है कि यहाँ शांति का पैगाम दुनिया को देने वाला भारत जो है स्वयं अब संकट की घड़ी में पड़ गया है कि हमारा शांति जो विघ्न बाधाओं से देखिए ग्रसित हो रहा है। आज इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे हो रहा है, अशांतिपूर्वक हो रहा है, अभूतपूर्व जो ये टीम कर रही है, नहीं तो इससे पहले जो पिछले 6-7 को मिला था उसमें नहीं हुआ था, नहीं हो पाया था। तो ये शासन की जो कड़ी इंतजाम, और ये योगी को श्रेय जाता है, मोदी को जाता है कि हमारी संस्कृति अब फहराएगी पूरी दुनिया में, और बाबर जो है औरंगजेब के करना में उनके वंशज देख रहे हैं कि अब मुंह छिपाएं कैसे, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, ये झूठ उनका नहीं चलेगा, सच साबित होगा। अयोध्या नियर अब भव्य मंदिर बनेगा यहाँ हटकर ज्ञान, मतलब आपको लगता है कि अगर सर्वे पूरा हुआ और अगर पुख्ता निशान यहाँ पर मिल गए तो मंदिर बन जाएगा? एकदम श्योर मंदिर बनेगा। इसका मिसाल एक उदाहरण जो है अयोध्या का मंदिर है, और उसके बाद जो है नारा लगाया गया ये तो झांकी है, फिर काशी जो मथुरा बाकी है, ये तीनों होना है, इसी सत्ता में हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जनता जाग चुकी है, सच का ही सामना होना होगा। और सच कि इन्होंने दोनों समुदाय का पक्ष रखा है, दोनों समुदाय की बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है कि हम शांतिप्रिय तरीके से जो है माहौल को बनाए रखेंगे, और जो भी डिसीजन कोर्ट की तरफ से आएगा सर्वे के दौरान जो भी यहां पर सबूत मिलेंगे उसका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, चाहे वो मुस्लिम पक्ष में आए या फिर हिंदू पक्ष में, और दोनों ही पक्ष जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से हैं और दोनों ही डिसीजन को मानने वाले हैं, क्योंकि अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी पूरा सहयोग यहां पर दिया जा रहा है सर्वे के दौरान, और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी सारे बयान आ रहे हैं, सभी लोग खुश हैं। मंदिर के जो अस्तित्व थे, जो चिन्ह थे, वो लगातार यहाँ पर मिल रहे हैं सर्वे में। आज जो सर्वे पूरा होता है उसमें फिर पता चलेगा कि अंदर और क्या क्या ऐसी पुख्ता चीज़ें मिली है जिससे जो है सबूत पुख्ता हो जाएंगे कि यहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंदिर और ज्योतिर्लिंग भी है।